अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल और क्विक आलू तुरई और अंडे की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आप इसे रोटी या फिर चावल के साथ में भी खा सकते हैं। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुकर में ऑयल को ऐड कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद राई और प्याज ऐड कर लेंगे। उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक प्याज का कलर चेंज हो नहीं जाता। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया है। उसको भी अच्छे से भून लिया है। अच्छे से भूनने के बाद 1 टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया, उसको भी ऐड कर लिया है। उसके बाद सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, मिर्ची, हल्दी, धनिया और नमक। इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद चॉप किया हुआ आलू तुरई ऐड कर लेना है। उसको भी मसालों में अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं कुकर का लिड लगा के 2 सीटी ले लूँगी। 2 सीटी के बाद आप देख सकते हैं हमारा चाकना बन गया है। अब हम इसमें 2 अंडे ऐड कर रही हूँ। 2 अंडे ऐड करके कुकर का लिड हल्के से बंद करके छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं अंडे भी अच्छे से पक गए हैं। हमारा आलू तुरई और अंडे का चाकना बन गया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।